बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। मैं कंडियारो से 5 किलोमीटर पहले मौजूद हूँ इस स्पॉट पर, जिस पर अरबों रुपए का माल इस तरह पड़ा हुआ है। ये कारनामा सूबाए सिंध का है, फूड मिनिस्टर का है। अब ये माल देखिए ये किस तरह पड़ा हुआ है रोड पर, और आवाम को गंदम नहीं दी जा रही है, आटा महंगा किया जा रहा है, और यहाँ गंदम सड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और गंदम इस तरीके से पड़ी है जैसे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ होता है। बस भाई ये एक दफा ले लो, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये आप माल आपकी जेब से निकला हुआ होता, फूड अफसरान पास्को इंचार्ज को कहता हूँ, ये आपकी जेब से माल निकला हुआ होता तो इस तरह ना पड़ा हुआ होता। मुराद अली शाह अगर ये माल आपकी जेब से निकला हुआ होता, अगर जरदारी की जेब से निकला हुआ होता, अगर बिलावल भुट्टो की जेब से निकला हुआ होता, और ये माल अगर फूड के इंस्पेक्टर की जेब से निकला हुआ होता, अगर ये मिनिस्टरों की पीपी के मिनिस्टरों की जेब से निकला हुआ होता, ये पीपी गवर्नमेंट के जो गुलाम है, जो करप्शन के बादशाह हैं, अगर उनकी जेब से ये पैसा निकला हुआ होता तो फिर इन्हें एहसास होता कि ये गंदम आवाम को किस तरह दी जाती है, और आटा आवाम को किस तरह दिया जाता है। आटा महंगा होने की वजह यह है, गंदम अरबों खरबों रुपए की पड़ी है जरदारी साहब के फार्म में और रोड पर पड़ी है, और मैं कंडियारों से 5 किलोमीटर पहले मौजूद हूँ, और मैं दिखाना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिंध को, प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को, सीएम सिंध को, और मिनिस्टर को, फूड के सिंध मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, तमाम को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, गंदम इशू की जाए, नहीं तो ये पड़ी पड़ी गंदम सड़ जाएगी। हर साल तुम ये कहते हो कि गंदम सड़ गई, तुम जान करके ये दानिश्ता काम तुम करते हो कि गंदम सड़ जाए, गंदम खराब हो जाए, फिर ये खराब हो जाएगी। आवाम को 100 रुपये किलो आटा।